नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के TDT हिंदी के टीचर्स के एग्ज़ाम का। ये 2014 का पेपर है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। दूसरा क्वेश्चन, केंद्र सरकार तीसरी राष्ट्र नीति का मसौदा तैयार करने के लिए प्रोफेसर आंद्रे बिटारी की अध्यक्षता में एक नई शिक्षा आयोग का गठन करने की प्रक्रिया में है। इंदिरा गांधी सरकार के तहत पहली शिक्षा नीति कब पेश की गई थी? इंदिरा गांधी सरकार के समय में पहली शिक्षा नीति जो बनाई गई थी वो बनाई थी इन द ईयर 1968। क्वेश्चन नंबर 3, किस क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? ये सिनेमा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 16वें गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 16वां नाम जो सम्मेलन था वो 2012 के अंदर ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित किया गया था। 5वां, चांदी के अग्रिम निर्माता हैं तो सबसे ज़्यादा चांदी के जो है वो मैक्सिको में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 6ठा क्वेश्चन, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ के प्रति संगठित राज्य में लोक सेवा आयोग होना चाहिए? तो मतलब स्टेट सर्विस कमीशन होना चाहिए। ये संविधान के अंदर आर्टिकल 315 में है, आर्टिकल या अनुच्छेद 315 के अंदर। 7वां क्वेश्चन, भारत का सबसे धनी मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे धनी मंदिर है तिरुवनंतम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर। 8वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक ब्लॉक पर्वत है? इनमें से ब्लॉक पर्वत है वो है वोसगेस। 9वां क्वेश्चन, किसने मुक्केबाजी में लंदन ओलंपिक 2012 में 51 किलो फ्लाइंग वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो ओलंपिक्स 2012 में 51 केजी वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली थी वो MC मैरी कॉम थी। 10वां क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख पर मतलब इन पे 12 VIP हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ के अनुबंध को छिपाने के लिए इटालियन फर्म से रिश्वत लेने के आरोप में CBI द्वारा जांचा गया है? ये वो थे SP त्यागी, ये पूर्व वायुसेना प्रमुख थे। इनको उन पे जो एलिगेशन था ये था कि उन्होंने रिश्वत ली है इटालियन फर्म से 12 VIP हेलीकॉप्टर की डील में। क्वेश्चन 11वां, कैग के कृषि ऋण माफी और ऋण की राहत योजना में सकल दुरुपयोग पर गंभीर टिप्पणी की है। कैग का विस्तार कैग के फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो C में लिखा हुआ है। 12वां, निम्न में कौन सा एक प्रांतीय स्वायत्तता के उपाय का परिचय देता है? प्रांतीय स्वायत्तता वो आई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 13वां क्वेश्चन, इसरो का विस्तार करें, इसरो के फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 14वां क्वेश्चन, गॉड पार्टिकल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिगस बोसोन। 15वां क्वेश्चन, इसकी प्रतिक्रिया के लिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन ये प्रारंभ किया गया था क्रिप्स का प्रस्ताव के होने पे, किप्स मिशन के बाद। 16वां क्वेश्चन, किस पंचवर्ष योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी? तो ये पंचवर्ष योजना थी 12वीं पंचवर्ष योजना। 9 मनी बिल को किसकी अनुशंसा के बिना विधानसभा में पेश किया जा सकता है? ये पेश किया जा सकता है गवर्नर के अनुशंसा से। 18वां क्वेश्चन, भारत संविधान के अनुच्छेद 139 और 150 किससे संबंधित हैं? ये संबंधित है कैग से, जिसको बोलते नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। 19वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ डैश में किया जाता है? तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। 20वां क्वेश्चन, वर्तमान में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख कौन है? आर्थिक सलाहकार के परिषद के अभी 2017 की बात करें तो वो अभी है विवेक डिब्रॉय, ही इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो विवेक डिब्रॉय इसका आंसर है। फिर बात करें अंधकार का होता है अंधेरा, कोयल का हो गया कोकिला हो गया इसका, पहाड़ का हो गया गिरी, पहाड़ का गिरी होता है। 64, डैश प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। 65, हिंदी वर्णों में
हिंदी में वर्णों के प्रकार में पूछे हैं तो हिंदी में दो प्रकार के वर्ण हैं। सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, भाववाचक रूप हो गया सुंदरता। गरीब शब्द का विलोम बताना है, पॉजिटिव बताना है, गरीब का हो गया अमीर। इशारों पर नाचना मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ हो गया वंश वश में करना। अचरज शब्द का तत्सम शब्द है, इसका अर्थ है आश्चर्य। 17वां 70 क्वेश्चन, बेगम शब्द का पुल्लिंग रूप है, इसका पुल्लिंग रूप है बादशाह। क्वेश्चन 71, जमुना शब्द का तत्सम शब्द है, जमुना का तत्सम हो गया यमुना। आलस्य शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप, तो इसका भाववाचक हो गया आलस्य। 73, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो गया बाघिन। भूगोल शब्द का विशेषण रूप हो गया भूगोलिक। 75, गागर में सागर बना यह मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ होता है थोड़े में अधिक कहना। फिर ये अनसीन पैसेज है, इसको पढ़ सकते हैं और फिर इनके आंसर देने हैं। 76 का हो गया ए। फिर आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि है, ये सर्वोच्च उपाधि है साहित्यिक वाचस्पति। जायसी किस शासक के काल में थे, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। जायसी किस काल में शासक थे, इसका अर्थ ये हो गया, मैं हो गया शेरशाह। 103, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम है वेदनाथ दुबे। 104वां, किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है, तो सियाराम शरणम गुप्त को हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है। क्वेश्चन 105वां, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसका किसकी आत्मकथा कृति है, तो ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। अनुकरण सिद्धांत किस पश्चिमी समीक्षा का सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत तो ये है अरस्तु का सिद्धांत है ये। आलोचना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, आलोचना पत्रिका प्रकाशित होती है दिल्ली से। फिर है 108वां, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक पत्र के संपादक तथा निर्देशक मंडल के अध्यक्ष थे, तो ये पंडित जवाहरलाल जी नेहरू संपादक थे नेशनल हेराल्ड के। क्वेश्चन नंबर 109, प्रेमचंद ने सन 1930 में किस पत्रिका का प्रारंभ किया, प्रेमचंद ने प्रारंभ की थी हंस नाम की पत्रिका। 110वां क्वेश्चन, महाप्राण विशेषण किस कवि को प्रदान किया गया है, महाप्राण जो ये विशेषण है ये निराला जी को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 110, इनमें से एक धूमिल की रचना नहीं है, तो वो है भूरी भूरी खाक धूल, ये धूमिल की रचना नहीं है, बाकी सभी रचना है धूमिल की है। 112वां क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी का लेखक है, तो इस कहानी का लेखक है इंशा अल्लाह खान। क्वेश्चन 113, राजभाषा अधिनियम को कब पारित किया गया था, इसको पारित किया गया था 1963 के अंदर। 114th क्वेश्चन, विश्व इतिहास की झलक यह किसकी रचना है, विश्व इतिहास की रचना है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। 115, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। 116वां, ढुलाई वाली किसकी कहानी है, ये जो कहानी है वो है बंग महिला की। 117वां, हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्र धारक कौन थे, इसके वास्तविक सूत्र धारक थे फारस के मुसलमान। 118वां क्वेश्चन, प्रख्यात लेखक व आलोचक डॉक्टर नगेंद्र लंबे लंबे अरसे तक किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे, वो ये रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के विभाग के अध्यक्ष। 119 क्वेश्चन की बात है, 119, काव्य प्रकाश किसकी रचना है, ये जो रचना है वो है मम्मट की।
120वां बघेली है किस हिंदी की बोली है? बघेली है जो ये है पूर्वी हिंदी की बोली है। भाषा समाज निरपेक्ष होती है यह कथन है। भाषा समाज निरपेक्ष होती है ये तो कथन असत्य है। भाषा समाज क्वेश्चन 122वां। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? देवनागरी को राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार किया गया था 1949 में। 123वां। अवट का तात्पर्य क्या है? अवट का तात्पर्य है परिनिष्ठित अपभ्रंश। 124वां क्वेश्चन। इंदुमती के रचनाकार हैं? इंदुमती के रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। क्वेश्चन 125वां। विद्यापति की भाषा, तो विद्यापति की भाषा है मैथिली। 126वां। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है। 127वां क्वेश्चन। रानी केत की भाषा, रानी केत की भाषा है हिंदुस्तानी। क्वेश्चन 128वां। इनमें से एक द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, एस्तोनी नहीं है, ये कन्नड़ बाहुया तमिल ये सभी द्रविड़ परिवार की भाषा है। 129वां। हिंदी में सीधे संस्कृत से आए हुए शब्दों को कहते हैं? हिंदी में सीधे संस्कृत से आए शब्दों को बोलते हैं तत्सम शब्द। भारत शब्द किसके द्वारा दिया गया? यह शब्द दिया गया ग्रीक निवासियों के। क्वेश्चन 131। 31वां। माधवी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है? तो माधवी पाली भाषा का वैकल्पिक नाम है। 132वां क्वेश्चन। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका है? हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका का नाम है उदंत मातंड। 133वां। गा कोकिल बरसा पावक कण, यह पंक्ति किनकी है? ये पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। क्वेश्चन नंबर 134। कबीरदास के गुरु हैं स्वामी रामानंद जी। 135वां। बीजक नामक ग्रंथ के संस्थापक थे? तो इस ग्रंथ के संस्थापक थे धर्मदास। 136वां। कौन सा शासक दादू के उपदेश से अत्यधिक प्रभावित था? वो थे अकबर। क्वेश्चन 137वां। निम्न में से कौन संत कवि नहीं है? ऐसे संत जो कवि नहीं थे, तो वो थे नरोत्तम दास जी। 138वां। सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ है? सर्वप्रथम ग्रंथ है पद्मावत। 139वां। अष्टछाप की रचना किसके द्वारा हुई? ये रचना हुई थी बिठली दास के द्वारा। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं? इस धारा के प्रवक्तक हैं जयदेव। 141वां। तुलसीदास की मृत्यु तिथि है? इनकी मृत्यु तिथि है संवत 1600 1680। क्वेश्चन 142वां। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन 143। बिहारी सतसई में कुल दोहा संख्या कितनी है? बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या है 726। क्वेश्चन 144। इनमें से कौन सी कृति सूरदास के नहीं है? तो वो है गंगा लहरी। 145वां। इनमें से एक रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? तो इनमें से रामधारी रचना नहीं है करुणालय। इनको छोड़ के कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, सामधेनि, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? इस उपन्यास का नाम था मंगलसूत्र। भारत दूरदिशा के लेखक हैं? इसके लेखक हैं भारतेंद्र हरीशचंद्र। क्वेश्चन नंबर 148। इनमें से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता नहीं है, वो है राजेंद्र यादव। क्वेश्चन 149। इनमें से किन्हें राष्ट्रकवि कहते हैं? राष्ट्रकवि कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी को। क्वेश्चन 150। एक भारतीय आत्मा कहकर किन्हें पुकारा जाता है? वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी। क्वेश्चन 151। कौन प्रकृति का कवि कहलाता है? प्रकृति का कवि कहलाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। 152। भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण है? भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण है द्वितीय महायुद्ध। 153। इनमें से कौन कवि तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है? तीसरा सप्तक में शामिल जो कवि नहीं है वो है
मुक्ति बोध 154। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? यह है तिलिश्मी 155। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? नाटक को पंचम वेद कहा है भरत मुनि ने। 156। इनमें से एक कृष्णा शोभती की कृति नहीं है। कृष्णा शोभती की जो कृति नहीं है वो है इंदम नैममम। 157। हिंदी गद्य के जनक हैं, हिंदी गद्य के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। 158। इनमें से एक आत्मकथा नहीं है, इनमें से एक आत्मकथा नहीं है वो है हमजात। 159। कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं, इस पत्रिका के संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी। 160। नारी जागरण पर लिखी महादेवी वर्मा की किताब है, नारी जागरण पर लिखी महादेवी की वर्मा की किताब है श्रृंखला की कड़ियां। निपोताज किस भाषा का शब्द है? निपोताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। 162। अतायो घुमक्कड़ जिज्ञासा यह किसकी रचना है? यह रचना है राहुल शाक्रत्यायन की। 163। कबीरा खड़ा बाजार में यह किन किन का नाटक है? यह नाटक है भीष्म साहनी जी का। 164। मोहन राकेश की इन कृतियों में एक नाटक नहीं है वो है अंधेरे बंद कमरे। 165। निम्नलिखित में से कौन सा वृंदावन लाल वर्मा कृत नहीं है? वो बी प्रभावती, इसको छोड़ के बाकी वृंदालाल वर्मा की ही कृति है। 166। आवारा मसीहा यह किन की जीवनी पर आधारित है? ये आधारित है शरचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पे। कलब, कलब एक प्रकार का कलब कहते हैं हाथी के बच्चे को। 168। गधा रेंकता है। 169। भेड़ों का झुंड होता है। 170। इनमें से एक सरस्वती का नाम नहीं है, जो सरस्वती का नाम नहीं है वो रमा, रमा को छोड़ के भारती महाश्वेता वीणाद्री ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक के किस क्षेत्र में आता है? वो आता है गया क्षेत्र के अंतर्गत। 172। सफल अध्यापक के लक्षण क्या है? सफल अध्यापक के लक्षण है कि वह तत्परता और जिज्ञासु होता है। 173। हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। 174। त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान किसको है? त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान है क्षेत्रीय भाषा को। 175। किसको पंचम वेद कहा गया है? पंचम वेद कहा गया नाटकों को। 176। स्पष्ट मौखिक वाचन के लिए क्या जरूरी है? स्पष्ट मौखिक वाचन के लिए उच्चारण जरूरी है। 177। पंडित की उपाधि किस शिक्षक के लिए है? पंडित की उपाधि है हिंदी भाषा के शिक्षक के लिए। हिंदी की मूल भाषा है, हिंदी की मूल भाषा है वह संस्कृत। हिंदी से साम्य रखने वाली भाषा है, हिंदी से साम्य रखने वाली भाषा संस्कृत मराठी उर्दू ये सभी हिंदी के साम्य भाषाएं हैं। 180। एक आदर्श शिक्षक का गुण क्या है? एक आदर्श शिक्षक का गुण है छात्रों को प्यार से समझाना। 181। केंद्रीय हिंदी संस्था किस जगह पर है? यह संस्था है आगरा में। समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त एवं महत्वपूर्ण है, यह कथन किस किन का कथन है? यह कथन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। भाषा शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए गठित आयोग कौन सा है? भाषा शिक्षकों की स्थिति सुधारने के लिए जो आयोग था वो था माध्यमिक शिक्षा आयोग। 184। जो पढ़ने का ढंग जानता है वही शिक्षा का रहस्य जानता है, ये कथन है जॉन लॉक का। 185। कौन सी भाषा देश की संपर्क भाषा है? ये हिंदी है, भारत की एक संपर्क भाषा है। 186। एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं नहीं जलता रहे, यह किनके विचार है? ये विचार है गुरुदेव रविंद्र नाथ ठाकुर जी के। 187। भाषा शिक्षकों के लिए भाषा ही उनकी पूंजी है। 188। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, इस कथन को किसने कहा था? ये कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। 189।
जनसाधारण को उनकी निजी भाषा में शिक्षा दो, ऐसा किसने कहा था? जनसाधारण को उनकी निजी भाषा में शिक्षा दो, ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। 190, एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण होने चाहिए अतिरिक्त इसके कि उसके पास दिखावा नहीं होना चाहिए। 191, प्रशिक्षण शिक्षण के लिए अनिवार्य है। भाषा डैश का माध्यम है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। 193, प्राकल्पना का अर्थ है, इसका अर्थ होता है परिकल्पना। अनुसंधान के लिए लक्ष्य पर्याप्त नहीं है। गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया, ये एक लोकोक्ति है। 196, कृत कृत अभ्यास ते जड़मत होत सुजात, यह उक्ति किनकी है? यह उक्ति है वृंद की। 197, देश निकाला, यह समास है तत्पुरुष समास, इसमें तत्पुरुष समास है। हाथी का स्त्रीलिंग रूप है, हाथी का स्त्रीलिंग रूप है हथनी। 199, अवलोकनों को उत्पन्न करने वाली क्रिया समूह को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं प्रयोग। अवलोकनों को उत्पत्ति करने वाली क्रिया समूह को प्रयोग कहते हैं। सत्य और विश्वास की अति व्याप्ति को इसको ज्ञान कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे DSSB TGT हिंदी के एग्जाम के। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।